नमस्कार हजुरहरुलाई दृश्यममा स्वागत गर्दछु। नेपालको पुरानो भनाई हो कि यहाँको धरतीमा धेरै दृश्यम छ तर अहिलेसम्म दुनियाको देखेको छैन। ये कहानी है नेपाल की, नेपाल में बहने वाली काली गंडकी नदी की। नदी में मिलने वाली अलौकिक शिला की और शिला में बसने वाले भगवान विष्णु के अवतार की। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं नेपाली में क्यों बोल रहा हूँ, तो इस बार का दृश्यम नेपाल की धरती से, हिमालय के बिल्कुल करीब से और काली गंडकी नदी के किनारे से। वही काली गंडकी नदी जहाँ की एक एक शिला में भगवान विष्णु का वास बताया जाता है। जैसे शिव का शिवलिंग वैसे विष्णु का शालिग्राम। शालिग्राम में चक्र की आकृति होती है। मान्यता के मुताबिक वो चक्र सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु का प्रतीक है। मेरे पास देख रहे हैं शालिग्राम का एक पाषाण है। अब इसमें देखिए एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है, तो प्रत्येक शालिग्राम में अलग अलग तरह के चिन्ह होंगे। तो जिस शालिग्राम में एक गोलाकार आकृति बनी होती है उसे मुख्य शालिग्राम माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का विग्रह माना गया। जैसे नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर है, ठीक वैसे ही काली गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम है। लेकिन जिस शिला में चक्र बने होते हैं वो जीवित शालिग्राम कहलाते हैं। मान्यता के मुताबिक उस शिला में नारायण होते हैं। तो आज हम काली गंडकी में उसी जीवित शालिग्राम को ढूंढेंगे जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके भीतर जो चक्र बने होते हैं, उसके अंदर जो चक्र बने होते हैं, वो भगवान विष्णु की निशानी है। नेपाल का शालिग्राम सर्किट बेनी के गलेश्वर महादेव मंदिर से मुक्तिनाथ के बीच फैला है। इसे मुक्तिनाथ क्षेत्र कहते हैं, जहां बहने वाली काली गंडकी नदी में शालिग्राम मिलने का दावा किया जाता है। हमने इस सफर की शुरुआत गलेश्वर महादेव मंदिर से की। ये सुनकर हर कोई चौंक जाता है कि महादेव का ये धाम दुनिया के सबसे बड़े शालिग्राम पर स्थापित है। ये शिला 9 एकड़ में फैली है। जो इसका अभी क्षेत्रफल दिख रहे हैं, ये भी साक्षात शालिग्राम शिला है। इसका शालिग्राम इसके यत्र तत्र सर्वत्र आप देखेंगे तो इसके अंदर ही अंदर ग्रह में शालिग्राम भगवान शिला है। जो धीरे से भगवान जो शालिग्राम धीरे धीरे से बाहर आने लग गए, पत्थर फाड़ के भगवान ऊपर आने लग गए। आने समय उसको जहाँ भगवान निकल गए उसमें इनामिल से उसको गोलाकार कर दिया गए। कभी भी विभिन्न रूप में, कई शालिग्राम शिला के रूप में, कई गणेश के रूप में, कई भगवती माता के रूप में, कई नाग के रूप में, कई चक्र के रूप में, कई भगवान का साक्षात चरण चिन्ह भी यहीं यहीं के रूप में विभिन्न रूप में इस चक्र विशाल चक्र शिला है। शिला पर कई आकृतियाँ उभरी है जिसे लोग दैवीय मानते हैं। मान्यता के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास होता है और ये निशानियां इस बात को साबित करती हैं। मंदिर में एक कुंड है, कुंड में भगवान विष्णु की सदियों पुरानी प्रतिमा है। दावे के मुताबिक ये मूर्ति इसी शिला से निकली है। हकीकत जो भी हो, लेकिन इस कुंड को कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार बताया जाता है। इस कुंड को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी पर पानी नहीं था तो भगवान विष्णु ने अपना अवतार बदला और अवतार बदलने के बाद यहीं से वो पानी लेकर आए थे। उसके बाद से इस कुंड में कभी भी पानी नहीं सूखता है। मान्यता ये भी है कि किसी भी महीने में यहाँ आपको ऐसे ही पानी देखने को मिलेगा। काली गंडकी नदी की लहरों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। पूरी दुनिया में शालिग्राम केवल इसी नदी में क्यों मिलता है, कहीं और क्यों नहीं, ये रहस्य आज तक बना हुआ है। जो नदी जो नीचे बह रही है, जो नदी जो शालिग्राम भगवान है, जो यहाँ के हर एक शिला जो है शालिग्राम तुल्य है। जो शालिग्राम तुल्य है, शालिग्राम भगवान तो काले काले से होते हैं, उसका चक्राकार होता है, चक्राकार जो गोले गोले से होते हैं, सिकने से होते हैं, उसको शालिग्राम भगवान कहा जाता है। जीवित शालिग्राम के बीच में चक्रनुमा आकृति बनी होती है। कहते हैं ये आकृति सैकड़ों सालों में तैयार होती है। कुछ शिलाओं के ऊपर चक्र जैसी लकीरें उभरी होती हैं। ये करीब हजारों साल पुरानी होती है।
इस आग ने हमें फिलहाल ठंड से बचा लिया है, अब हमें आगे चलना होगा। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि जिस शालिग्राम को भगवान से जोड़ा जाता है उसका जन्म एक श्राप से हुआ था। दैत्यराज जलंधर के वध से नाराज उनकी पत्नी वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया था, जिसके बाद शालिग्राम शिला का जन्म हुआ। बाद में वृंदा ने श्राप वापस ले लिया। इसके बदले वृंदा को तुलसी के रूप में भगवान विष्णु के साथ रहने का वरदान मिला। कहते हैं तभी से शालिग्राम और तुलसी पूजन की परंपरा शुरू हुई। तीन शिलाओं को हमने अब तक तोड़ा है, हमें कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत ही साधारण, आप जैसे किसी भी पत्थर किसी भी शिला को तोड़ेंगे तो बिल्कुल जो सपाट प्लेन दिखता है वैसे ही इसमें दिख रहा है। क्योंकि शालिग्राम एक पौराणिक शिला है जिसकी पहचान भगवान विष्णु के साथ अब उनके एक अवतार श्री राम से भी जुड़ चुकी है। अयोध्या में श्री राम और मां सीता की प्रतिमा के लिए जो दो विशाल शालिग्राम पहुंचाए गए थे वो नेपाल की काली गंडकी नदी से ही निकाले गए थे। इधर से जो बड़े बड़े दो शिला ले जाए गए वो काली गंडकी, हम उसको कृष्णा नदी भी बोलते हैं, उसके नजदीक से उसके वही बैंक से वो दो बड़ा बड़ा दो पत्थर ले जाया गया। वो हमारा विश्व में एक ही नदी है जिसमें वो शालिग्राम मिलता है। इधर से हमारा पवित्र भूमि से लेकर ले जाने के बाद अगर उधर वो हमारा अपना दामाद जैसा वो भगवान की अगर मूर्ति बन जाए तो हम नेपाली के लिए बहुत गौरव की बात है। पहाड़ से नीचे गंडकी नदी किनारे की हमें वो जगह मिली जहां से राम शिला वाले शालिग्राम को निकाला गया था। आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी वो रामशिला रही होगी और उसका वजन कितना होगा, क्योंकि ये आकार में देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बिल्कुल किसी छोटे तालाब की तरह। जब मैं यहाँ बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बहुत छोटे से तालाब में आ गया हूँ। रामशिला शालिग्राम को हजारों साल पुराना बताया गया, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नदी कितनी पौराणिक है। ये चाल खबर ठीक से यहाँ के काली गंडकी माँ जीवित शालिग्राम भेट दिन फैल पार्ष तर एकदम खोज्न पर्छ, धेरै दुख हुन्छ। अब कालीगण्डको तिरमा जानु पर्छ, गएर खोज्नु पर्छ, धेरै गाह्रो धेरै कठिन छ। मुझे ये बता रहे हैं कि काली गंडकी नदी में जीवित शालिग्राम को तलाशना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने धेरै खोजे को मैंने बहुत ढूंढा मैंने धेरै खोजे को तर भेटेन। धेरै समय लाग्छ, धेरै अब भाग्य मानिले मात्रै फेला पार्छ, एकदम खोज्न पर्छ, धेरै कठिन दुःख गर्नुपर्छ, धेरै खोज्दाखेरि सयमा एउटा मात्रै फेला पार्छ। सौ ढुंढूंगा तो मुझे एक मिलेगा, ये मुझे बता रहे हैं कि आप सौ पत्थर अगर ढूंढेंगे तो कहीं आपको एक मिल जाएगा, वो भी अगर आपकी किस्मत ठीक रही तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मुझे कहाँ मिलेगा ये, कुन ठाउँ में भेट्छ? तलपट्टि यो कालीगण्डकीको तीरमा फेला पार्छ। बेनी के एक छोटे से गांव में रहने वाले सबीर हमारे साथ थे, लेकिन हम जानते थे तेज धार वाली नदी में एक शिला को खोजना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम डटे रहे। थोड़ा और गए, पानी में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकला तो हमारी मुट्ठी में एक शालिग्राम था। शिला के ऊपर चक्र जैसी धारियां साफ दिख रही थीं। ये एक अद्भुत पल था। जिस जीवित शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप बताया जाता है वो काली गंडकी से निकलकर हमारे हाथों में था। एक बार फिर से हम नदी में चलते हैं।
थोड़ा और आगे बढ़े, दूसरी शिला मिली। बिल्कुल वैसी ही जीवित शालिग्राम। थोड़ा और बढ़े, तीसरी शिला मिली। कुछ कदम आगे गए तो चौथी कामयाबी लगातार हमारे हाथ चूम रही थी। सबीर ने बताया शिलाओं के ऊपर धारियां हैं, मतलब ये हजारों साल पुरानी है। इसी के लिए पिछले कई घंटों से नदी के किनारे और नदी में इसकी तलाश कर रहे थे। ये दृश्यम हमें मिल गया, यही है जिंदा शालिग्राम।